अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीमियम क्रेड की रिलीज डेट के बारे में कि नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड जो है वो हमें कब देखने मिलेंगे, और साथ ही भाई कस्टम क्रेड जो है वो उसके लीक्स जो है वो बिल्कुल कन्फर्म हो चुके हैं, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये सारा कुछ इसी वीडियो में ही जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीमियम क्रेड के हवाले से। आपको जैसे कि पता है कि प्रीमियम क्रेड अभी जो प्रीमियम क्रेड चल रहे हैं उनको जाने में तकरीबन 8 दिन बाकी हैं। अगर हम लोग प्रीमियम क्रेड को ओपन करें तो यहाँ पे आपको टाइम शो हो रहा होगा कि 8 दिन अभी भी रिमेनिंग है प्रीमियम क्रेड के जाने में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो ये स्नाइपर की स्किन है AWM की स्किन नहीं निकाली तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई 8 दिन के बाद जो है वो प्रीमियम क्रेड वो चले जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें हमारे नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड की तो भाई उसके बाद हमें कस्टम क्रेड देखने मिलेंगे। तो कस्टम क्रेड के बाद जो है वो नेक्स्ट हमें प्रीमियम क्रेड जो है वो दोबारा से देखने मिलेंगे। उसमें अभी बहुत सारा टाइम बाकी है, क्योंकि भाई 8 दिन के बाद हमें कस्टम क्रेड देखने मिलेंगे जिसमें बहुत सारे जो ओल्ड मिथिक रहते हैं वो आपको रिटर्न में देखने मिलते हैं। लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि भाई कौन से जो मिथिक सूट है जो कि हमें देखने मिलेंगे कस्टम क्रेड के अंदर। सो जल्दी से हम कस्टम क्रेड के जो लीक्स हैं ना उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो मिथिक आउटफिट हैं वो निकल के आ चुके हैं, जहाँ पे यहाँ पे रेड बैटल कैट के नाम से हमें ये वाला हेड गियर देखने मिल जाएगा, और साथ में ये वाला मिथिक आउटफिट जो कि एक फीमेल आउटफिट रहने वाला है ये वाला आपको रिटर्न में देखने मिल जाएगा। इसका सबसे जो मज़े की बात रहती है इसका एक्सक्लूसिवली इमोट होने वाला है जो कि हर मिथिक आउटफिट के साथ हमें देखने मिलता है। उसके बाद भाई ओवरऑल बात करें तो ये एक फीमेल आउटफिट रहने वाला है। नेक्स्ट हेडगियर की बात करें तो भाई ये भी काफ़ी बढ़िया सा हेडगियर निकल के आता है, और उसका आउटफिट की बात करें तो इसके साथ भी ये काफ़ी एनिमेटेड सा जो एक्सक्लूसिव इमोट है वो भी आपको देखने मिलेगा, और ये भी एक मिथिक आउटफिट रहने वाला है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे आउटफिट की, तो भाई इसका तीसरे आउटफिट का ये हेडगियर रहने वाला है और उसके बाद ये वाला इसका आउटफिट रहने वाला है। तकरीबन अभी से जो तीसरा आउटफिट है ये तीसरे का तीसरा आउटफिट भी फीमेल रहने वाला है। इसके साथ भी आपको एक एनिमेशन वाला जो है वो एक्सक्लूसिव इमोट देखने मिल जाएगा जो कि एक फ़नी वे में थोड़ा सा पोर्ट्रेट किया जा रहा है। सो ये काफ़ी फ़नी सा जो इमोट इसके साथ आपको एक्सक्लूसिवली देखने मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ आउटफिट के बारे में कि कौन सा होने वाला हमारा मिथिक जो फोर्थ आउटफिट होने वाला है। ये हमारा रहने वाला जी है फोर्थ मिथिक आउटफिट, और ये भी एक फीमेल, यहाँ पे भाई एनर्जी ड्रिंक का यूज़ किया जा रहा है ये इस इमोट में। तो ये भी काफ़ी यूनिक सा इमोट आपको इस आउटफिट के साथ देखने मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया बड़े से जो ओल्ड मिथिक जो थे वो आपको रिटर्न में कस्टम क्रेड के अंदर देखने मिल जाएंगे। तो भाई हो जाइए तैयार, क्योंकि 8 दिन के बाद यानी 9वें दिन जो है वो कस्टम क्रेड आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद भाई आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी भाई कछुए की और खरगोश की, तो भाई यहाँ पे वो दोनों यानी बनी सेट आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे बनी जो वो फुल वे में फुल स्पीड से भाग रहा होता है, और ये और एंड वे क्या होता है कि भाई वो हार जाता है। तो ऑब्वियसली भाई ये तो स्टोरी सब ने ही सुन रखी है बचपन से ही, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये वाला आउटफिट एक स्टोरी टाइप जो आउटफिट है वो भी आपको देखने मिल जाएगा। इसके साथ आपको दूसरा जो सेकंड आउटफिट है वो भी देखने मिल जाएगा, यानी टर्टोज के नाम से जो कि एक कछुआ रहता है जो कि एक सुस्त रहता है, और इसका ही मोड भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं भाई, काफ़ी स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। सो ये दोनों की स्टोरी के रिलेटेड आपको ये दोनों आउटफिट जो है मिथिक वो भी देखने मिल जाएंगे, और एंड पे फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है जो कि हमारा कछुआ रहता है। तो काफ़ी बढ़िया से दोनों बनी वाला और ये टर्टोइज वाला आउटफिट जो आपको मिथिक है वो देखने मिल जाएगा। सो ये बढ़िया बड़े से भाई जो मिथिक आउटफिट है, और साथ में आपको ये AKM की स्किन भी देखने मिलेगी। सो गाइज ये 100% कन्फर्म लीक्स रहने वाले हैं कस्टम क्रेड के, जो कि हमें 8 दिन के बाद ठीक 9वें दिन देखने मिल जाएंगे। सो गाइज ये थी वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।